Hi, good afternoon. Yes, this is 2021 properties of triangle topic. Lecture 3 o'clock, na, I think. I don't know. They asked me to take properties of triangle. That's why I'm taking properties of triangle. Okay. Okay. 6 minutes before. Okay. Hi. इसके बाद फंक्शन होगा, आई डोंट नो. ओके, आई हैव नो आइडिया. क्या सबको आने दो. I don't know, Lalit, anything, huh? अच्छा, do this question, सबको आने दो in between. एक normal trigonometry का questions कर लेते हैं, okay? Tan 3x minus tan x और tan 2x upon 1 प्लस 3 tan 3x tan 2x इज इक्वल टू 1. सॉल्व फॉर x. जस्ट डू दिस क्वेश्चन. ओके, यस, टेन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला ना, सो डू दैट. यस, एक्सपेंशन ऑफ टेन थ्री एक्स माइनस टू एक्स, टेन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला.
सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के लिए फाइव लेक्चर्स होंगे. ओके, x इज इक्वल टू पाई बाय फोर इज कमिंग. सो क्या होगा, दिस विल बी डायरेक्टली फॉर्मूला टैन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला. That is tan x is equal to 1. तो इसका जनरल सोल्यूशन भी होता है. आप लोगों को ये नहीं होना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हुआ है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन Yes, change the computer. That's why laptop change हुआ है. इसका वैल्यू क्या होगा? पाई बाई फोर होगा ना, 45 डिग्री. देन पाई प्लस पाई बाई फोर भी होगा. ये टाइप का बहुत सारे सोल्यूशन होगा ना, बहुत सारे सोल्यूशन होगा. ओके ओके, now tell me all will be your answer infinite solutions. Okay. But इसमें infinite solutions नहीं होगा. We'll start properties of triangles आप नहीं आया, इसके लिए मैंने just एक question दिया था. Okay. This is booklet M2 होगा, अभी start होगा. अच्छा देखो, solutions तो ये आ रहा है, but if you take at x is equal to pi by 4, अगर x इज इक्वल टू पाई बाई फोर होगा देन ये टर्म क्या होगा? देखो तो दिस टर्म tan 2x टर्म क्या हो जाएगा? tan 2 इंटू पाई बाई फोर, तो दिस बिकम्स tan पाई बाई टू. तो tan पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो tan पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स क्या होगा? पाई बाई फोर सॉल्यूशंस नहीं होगा, पाई बाई फोर सॉल्यूशंस नहीं होगा. सिमिलरली यू कैन चेक पाई प्लस पाई बाई फोर, देखो उसमें भी सॉल्यूशंस नहीं होगा. मींस क्या होगा? सॉल्यूशंस मींस इट विल सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, बट जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें ये टर्म ही डिफाइंड नहीं है. अगर टर्म डिफाइंड नहीं होगा तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं होगा. सो दिस इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशंस, तो ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा. क्लियर हुआ सबको? ओके, ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट. आई थिंक टाइम हो चुका है 3 o'clock. ओके, सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन. सो सिमिलरली फॉर ऑल वैल्यूज, सिमिलरली for all values it will not satisfy. So answer kya hoga? Answer will be no solutions. Okay, chalo we'll start new topic, that is properties of triangle. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इन एडवांस मिनिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मिनिमम. ओके, समटाइम्स मे बी 3 to 4 क्वेश्चंस आल्सो कम एडवांस टॉपिक, एंड जेई मेंस में तो एक क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. ओके, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे मे बी डिफिकल्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल,
नॉट सो डिफिकल्ट, बट बहुत सारे फॉर्मूला है, लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत सारे फॉर्मूला था, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला है. सो यू नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, देन टॉपिक विल बी इजी. ओके, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में, जितना भी है सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है. ओके, सो नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स क्या होगा, ट्राइंगल का सब कुछ होगा. ओके, सो नाउ अभी ठीक है, इज ओके. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सो फर्स्ट यू हैव टू नो फ्यू नोटेशंस. ओके, तो पहले नोटेशन देख लेते हैं. सो दिस आर द स्टैंडर्ड नोटेशन, ये ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो, स्टिल एक बार पता होना चाहिए. दिस इज एबीसी ट्राइंगल. राइट नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट राइट एंगल ए लाइक दिस, ऐसा करके हम लोग एंगल नहीं लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, ओनली कैपिटल लेटर्स, ये साइन नहीं होगा. सो कैपिटल लेटर्स ए बी सी, दैट इज नथिंग बट एंगल्स. कैपिटल लेटर ए बी सी डिनोट्स द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ये टॉपिक में जहां पे कैपिटल लेटर लिखा होगा वो एंगल ही होगा. ओके, नाउ इट इज ओके. ओके, सो कैपिटल लेटर्स ए बी सी डिनोट्स द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, एंड स्मॉल ऑफ ए, ए एंगल का अपोजिट साइड, तो ये जो लेंथ होगा दैट लेंथ डिनोट एज स्मॉल ए, मीन्स बी सी जो लेंथ होगा बी सी विल बी इक्वल टू स्मॉल ए. Similarly, opposite of B angle CA, that we denote as small b, and opposite of CA angle, that we denote as small c. So AC is equal to B and AB is equal to small c. So small letters ABC denotes the sides. Okay? So if you understood that capital letter ABC, that is nothing but angle of triangle, small ABC is nothing but sides of triangle. Okay? Now, as all of you know, that sum of angle of a triangle 180 degree hota hai. Angle of a triangle 180 degree. But kyun hota hai pata hai na sabko? Why sum of angle of a triangle 180? Jaane do, 180 hota hai. Okay? And semi-perimeter is, na? Semi-perimeter is, that is a plus b plus c or small s, a plus b plus c by 2, that is known as semi-perimeter. Okay, so properties of triangle means this side having three angles and three sides, itna hi hum log ko dekhna hai. Sometimes given hoga two angles or man lo one side. Okay, then we have to find everything about that triangle. So ye type ka conditions aayega, कभी साइड्स दिया होगा, कभी एंगल्स दिया होगा, कभी एक साइड टू एंगल्स, टू साइड वन एंगल, ये टाइप का बहुत कुछ दिया होगा. ओके, सो व्हाट इज द सेमी पेरिमीटर? सेमी पेरिमीटर बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तीनों साइड लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय टू, जो आप लोगों ने 10th, 9th, 8th में भी किया होगा. ओके, दैट इज सेमी पेरिमीटर. सेमी पेरिमीटर इज पेरिमीटर का हाफ. ओके, ये हेरन्स फॉर्मूला भी जो ऐसा आता है वही टूडे विल प्रूव हेरन्स फॉर्मूला ऑल्सो. ओके, सो प्लीज लिख लो, ये दिस आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट. ओके, सेमी पेरिमीटर इज पेरिमीटर का हाफ, थोड़ा क्विकली राइट डाउन.
Okay. So all of you done. Now basic rules. First one is sine rule. So sine rule already आप लोगों ने शायद physics में क्या होगा. Sine rule is this. A upon sin A is B upon sin B is C upon sin C. देखो इसमें साइन के आगे कैपिटल ए लिखा है, मतलब एंगल होगा. कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स, और इसमें क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स. ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज साइन रूल. अच्छा, फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बी सी, फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बी सी, तो दैट इज एड इज द परपेंडिकुलर. तो एज ऑपोजिट ऑफ सी, तो ये साइड सी होगा, ये साइड बी होगा. ओके, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ओके ट्राइंगल ए बी डी, ए डी अपॉन सी होगा साइन बी, ए डी अपॉन सी विल बी साइन ऑफ बी एंगल. तो फ्रॉम दिस यू विल गेट ए डी इज सी साइन बी. ओके, सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, from triangle ADC, AD upon B, AD upon B, sine of C angle. So that will be sin C. So you will get AD is equal to B sin C. Now both are AD, AD, so you can equate this to AD. So if you equate AD, so you will get C sin B is equal to B sin C. So what you will get? Sin B upon B is sin C upon C. So देखो ये part आ गया. Similarly, okay, और उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, उल्टा लिख देते हैं. So this can be written as B upon sin B is C upon sin C. Okay. Similarly, if we take perpendicular from this, also you can prove that perpendicular liya to. So similarly kya aayega? Similarly, C upon sin C, you will get A upon sin A. So if you combine these two, you will get A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. So basically hai kya hai? Dekho, if you take this side, upon sine of opposite angle, A upon sine of opposite angle is equal to B upon sine of opposite angle or C upon sine of opposite angle. So side length upon sine of that angle is nothing but this ratio is constant. Okay, ये constant का जो value होता है, that value is equal to 2R होता है. Okay, तो ये proof हम लोग second lecture, I will prove that in second lecture. Why this will be equal to 2R? Right now you prove that only A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C, and ye proof baad mein hoga. Okay? So this constant is equal to 2R. What is R? R is the circumradius. Dekho, basic coordinate geometry mein aap logon ne capital R small r kiya tha. Yaad hai? Capital R small r. So that capital R is nothing but circumradius. Okay? So please write down the formula. Okay, where capital R is circumradius. Okay, so this rule is known as sine rule. Please quickly write down. Yes, you are correct. Prove that A plus B plus C is 180. Correct.
ओके डन। तो साइन रूल में किसी का डाउट नहीं है, कोई भी साइड अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, सिमिलरली साइड साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, दैट रेशियो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू 2r। एग्जांपल वी विल टेक आफ्टर डूइंग 2-3 रूल। सो दिस इज योर साइन रूल, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलो नाउ वी विल डू कोसाइन रूल। यस, इट इज पार्ट ऑफ ट्रिगो, ओके, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट ट्रिगो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में आता है। नेक्स्ट वन कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc cos b a square plus c square minus b square upon 2ac and cos c a square plus b square minus c square upon 2ab. So that is the formula of cosine rule. Okay. अच्छा पहले देख लेते हैं। अच्छा व्हाट इज फॉर्मूला दिस कोसाइन रूल। इफ यू वांट टू फाइंड कॉस ए, कॉस ए चाहिए तो कॉस ऑफ दिस एंगल आपको चाहिए तो फॉर्मूला इज दिस, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का एडिशन, दैट मींस क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, टू टाइम्स बी सी। हेलो कॉस बी चाहिए, कॉस बी क्या होगा, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। कॉस बी क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ओके, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का एडिशन माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, सो दैट इज नथिंग बट कॉस ए। सो दिस इज नोन एज कोसाइन रूल। सिमिलरली यू कैन राइट कॉस बी, सिमिलरली यू कैन राइट कॉस बी। जितना भी फॉर्मूला होगा रिमेम्बर वन ऑफ देम, ऑटोमेटिकल यू कैन रिमेम्बर सेकंड एंड थर्ड। तो रिमेम्बर ओनली कॉस ए, कॉस ए होगा तो ए एंगल होगा तो माइनस स्क्वायर होगा तो माइनस स्क्वायर। सो रिमेम्बर एनी वन ऑफ देम, ओके, रिमेम्बर एनी वन ऑफ देम, ओके। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। तो सब लिख लो पहले, डन। ओके, नाउ विल प्रूफ से कोसाइन रूल। अच्छा ऑलरेडी ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, फिगर। अच्छा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इफ यू अप्लाई पाइथागोरस तो क्या होगा, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। For this triangle, we are applying Pythagoras. Okay? So, hypotenuse ka square is equal to AD square plus BD square. Okay? Now, BD ko kya likh sakte? What we can write BD? BD ko likh sakte, dekho. BC minus DC. BD can be written as BC. BD is nothing but BC minus DC is BD. Okay? Now, apply A minus B whole square formula. Okay, so what you will get, bc square plus dc square minus 2 times bc into dc plus ad square. Okay, clear?
अच्छा डीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, व्हाट कैन यू राइट दिस टू, ये दोनों को कैन यू अप्लाई पाइथागोरस, डीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इज नथिंग बट वी कैन राइट एज बी स्क्वायर, करेक्ट? सो सी स्क्वायर इक्वल टू आर बी सी इज नथिंग बट ए, सो दिस विल बी योर ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस वी आर गेटिंग टू बी सी इंटू डी सी, ओके, यस बी स्क्वायर। अच्छा फ्रॉम दिस एंगल व्हाट विल बी कॉस सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी व्हाट विल बी कॉस सी, फॉर दिस ट्राइंगल कॉस सी क्या होगा, कॉस ऑफ सी, कॉस सी होगा ए अपॉन बी, ए मीन्स डी सी, ओके, सो डी सी अपॉन बी विल बी कॉस सी, तो डी सी का वैल्यू डालो तो बी कॉस सी इज नथिंग बट डी सी, तो ये वैल्यू डाल दो डी सी में, तो डी सी इज बी कॉस सी, एंड दिस बी सी इज नथिंग बट ए, तो देखो फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फ्रॉम दिस इफ यू कैलकुलेट कॉस सी सो दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ए बी, आपको प्रूफ याद नहीं रखना है बट जस्ट प्रूफ किया मैंने, ओके, सो दिस इज फॉर्मूला कोसाइन रूल। यस वेक्टर से भी ये प्रूफ कर सकते हो, साइन रूल कोसाइन रूल साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, बहुत सारे फॉर्मूला आपको वेक्टर में प्रूफ करना है, तो वेक्टर जब होगा वो सब चीज होगा, डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट से वो होगा, ओके, ये टॉपिक में वेक्टर का कोई प्रूफ नहीं है, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको प्रूफ करना है। तो डन दिस वन, देन थर्ड रूल, देन वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, ओके, थर्ड रूल इज प्रोजेक्शन रूल, ओके, नाउ फॉर थर्ड रूल आपको ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है प्रोजेक्शन रूल, मतलब वेक्टर में जो प्रोजेक्शन किया है डॉट प्रोडक्ट वही है प्रोजेक्शन रूल, ओके, सो दैट मींस व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, ए बी वेक्टर अगर होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी और बी ए ऑन दिस वेक्टर, तो क्या होता है, यही होगा प्रोजेक्शन बी डी, डॉट प्रोडक्ट होता है ना प्रोजेक्शन का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ना, ओके, सो सेम थिंग विल डू, तो फॉर्मूला इज दिस, देखो बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी एज वी कैन राइट बीडी प्लस डीसी, अच्छा बीडी को क्या लिख सकते हैं, देखो बीडी इज नथिंग बट दिस एंगल इज बी, दिस एंगल बी, तो दिस विल बी ए बी, बीडी विल बी ए बी, डायरेक्टली आई एम राइटिंग है ए बी कॉस बी, ओके, सिमिलरली डीसी क्या होगा, डीसी दिस एंगल इज सी, तो क्या होगा ए सी कॉस सी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी मीन सी, और क्या होगा बी, तो पुट करो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, एंड बी सी इज नथिंग बट ए, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन रूल, ए इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ए इज टोटल लेंथ, दिस लेंथ इज सी कॉस बी and this length is b cos c, so projection rule first formula a is equal to b cos c plus c cos b,
सिमिलरली वी कैन राइट बी, सिमिलरली बी क्या होगा, देखो ए है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, तो बी होगा तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी होगा, तो ए दैट टाइम कॉस सी, सिमिलरली सी दैट टाइम कॉस ए, सी होगा तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, तो दिस थ्री फॉर्मूला इज नोन एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला. So please write down. Second step नहीं समझा, ओके. देखो बेटा second step के लिए for this triangle, ABD एक right angle triangle है. What will be BD upon AB? BD upon AB, that will be cos. Which angle? This angle is B, so that will be cos B. So BD का value क्या होगा? AB cos B. So BD is AB cos B. Similarly, you can write DC also. Okay. Okay. So few questions we'll do using these three formula only. Okay. तो आपको एप्लीकेशंस क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा. सो टिल नाउ वी डिड थ्री रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ओनली दिस थ्री. ओके सो स्टार्ट करो पेज नंबर 168, पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. आपको इसका वैल्यू पूछा है, 2ac साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2. अच्छा रिमेंबर इन दिस टॉपिक अगर नॉट गिवन एबीसी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बट होगा ही होगा, वो अंडरस्टूड है. ओके okay? तो इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 3. यस M2 बुकलेट, M2 का लास्ट टॉपिक. Yes, yes. Now solve this. Sorry. Solve this question. So you can use that a plus b plus c 180 degree. Okay, next question. This ko aagaya next question. As sum of angle of a triangle 180 degree. So a plus c will be 180 minus c. ओके आई पुट करो तो ए प्लस सी का वैल्यू होगा 180 माइनस बी. ओके ए प्लस सी का वैल्यू पुट किया माइनस बी
by 2. Now simplify, 2AC becomes 90 minus B. So sine of 90 minus B, cos B. तो देखो इधर साइन दिया है, इधर कॉस भी दिया है, तो कॉस कोसाइन रूल अप्लाई कर लेते हैं. कोसाइन रूल ओके, तो अप्लाई कोसाइन रूल. सो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. देखो 2ac कैंसिल होगा, सो दिस विल बी योर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर थ्री. यस, थर्ड स्टेप देखो, इसको क्या है, 180 डिग्री माइनस 2b बाई 2 होगा ना, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 90 डिग्री माइनस b अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो 90 डिग्री माइनस b, तो ही लिखा है 90 डिग्री माइनस b. ओके मिस्टर अनन, यू आस्क योर फ्रेंड टू सेंड दैट फोटो ऑफ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4. ओके, because all the questions difficult to read. Okay, next question I am writing. Next question is given that आपको इसका value चाहिए, b plus c upon a का value क्या होगा, इसका simplification दिया. अभी देखो question में आपको already answer given होगा, इसमें side length given है और आपको देखो options दिया है angle में, साइड लेंथ गिवन है आपको एंगल में है. इफ यू अप्लाई साइन रूल, देखो ए अपॉन साइन ए, तो साइन रूल अप्लाई किया तो क्या फायदा होगा, देखो बी प्लस सी अपॉन ए, इफ यू अप्लाई साइन रूल दैट इज ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी C upon sin C is equal to 2R. So this side length in terms of angle आ जाएगा. Side length in terms of you will get angle. Okay. So A equal to 2R sin A. Similarly B equal to 2R sin B. Similarly C is equal to 2R sin C. अभी value डाल दो. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 167, पेज नंबर 167. सो विल डू ऑल थ्री क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑल आर सब्जेक्टिव. 1, 2, 3 सब्जेक्टिव. तो अप्लाई साइन रूल, बी का वैल्यू 2R sin B, 2R sin C upon 2R sin A. अभी देखो 2R 2R कैंसिल हो जाएगा, sin B plus sin C upon 2R sin A. Now if you check the options, हर option में देखो half angle formula apply किया, a by 2, b minus c by 2, मतलब half angle formula apply हुआ है. तो that means sin b plus sin c आपको formula apply करना है, तो apply करो sin b plus sin c.
sin b plus sin c 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. तो हाफ एंगल फॉर्मूला, तो साइन ए को भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होगा, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अभी इसमें ये टाइप का क्वेश्चन ये टॉपिक में होगा। अभी a प्लस बी प्लस सी 180, देखो ये दोनों शायद कैंसिल हो जाएगा। हाउ टू चेक दैट, a प्लस बी प्लस सी इज 180, तो b प्लस सी बाई टू दैट विल बी पाई बाई टू माइनस a बाई टू होगा। ओके, देन इफ यू अप्लाई साइन बोथ साइड, साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो इट बिकम्स कॉस ए बाई टू। तो ये टाइप का हमेशा आपको सिंप्लीफाई करके आना चाहिए, हाँ करना आना चाहिए। साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज डायरेक्टली कॉस ए बाई टू, आगे से हम लोग इतना नहीं लिखेंगे। ओके, डायरेक्टली विल कैंसिल, क्लियर। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज 180, यूज दैट कंडीशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। So it becomes cos a by 2 cos b minus c by 2 sin a by 2 cos a by 2, तो ये कैंसिल होगा। तो दिस विल बी योर आंसर, cos of b minus c by 2 upon sin a by 2। तो देखो साइड लेंथ इज गिवन, आपको एंगल में लेके जाना है, तो क्या अप्लाई किया, साइन रूल, साइन रूल। ओके, ओके, जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। ओके, क्वेश्चन इज गिवन, बी प्लस ए बाई 11, सी प्लस ए अपॉन 12, ए प्लस बी अपॉन 13। ओके, दिस इज गिवन, देन प्रूव दैट, PT means prove that, okay? If this question came in IIT, cos A upon 7, cos B upon 19, cos C upon 25. Yeh question hai. Question is given, if B plus A upon 11 is equal to C plus A upon 12 is equal to A plus B upon 13, then prove that this result, okay? तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्या होगा, आपको कोसाइन रूल ही अप्लाई होगा, यू नीड टू अप्लाई कोसाइन रूल। यस, यू कैन ट्राई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बट फंडा इज दिस, आपको कॉस ए कॉस बी कॉस सी अप्लाई करना है। तो कॉस ए मीन्स कोसाइन रूल, मीन्स एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम दिस कंडीशन आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है। So first simplify what will be the value of ABC, then you have to apply cosine rule. To find ABC, you can apply, if you want, theorem on equal ratio or K method, anything you can do. Yes, page number 167, first question. First module ka first question, okay?
बेस्ट वे इसको के नाम दे दो, टेक दिस इज के, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एबीसी. E प्लस सी 11 के, C प्लस ए 12 के, A प्लस बी 13 के. नाउ थ्री इक्वेशन थ्री अननोन. Add these three. If you add them, you will get two times A plus B plus C, 25, 36K. So A plus B plus C is 18K. So this is equation number 4. So easily you can find value of this. So if you calculate 4 minus 1, ए का वैल्यू होगा 7K. करेक्ट. सिमिलरली नोट बी एंड सी. ए इज 7K, बी इज 6K, सी इज 5K. ओके ग्रेट. 6K 5K. तो यू गॉट ऑल थ्री वैल्यूज ऑफ एबीसी. ओके. तो अभी ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो पहले कोसाइन निकाल लेते हैं वैल्यू क्या होगा. तो यू हैव टू अप्लाई कोसाइन रूल. cos a formula, b square plus c square minus a square upon 2bc. तो इसको सिंप्लीफाई करो. वन बाय फाइव आ रहा है. लैग होगा तो 10 सेकेंड्स का लैग होगा, अदरवाइज लैग नहीं होगा. सब कुछ ठीक है अभी. ओके ओके. कॉस है 1/5. सिमिलरली कॉस भी निकालो, कॉस सी निकालो क्विक. आई विल कैलकुलेट ओनली कॉस है. 6K होल स्क्वायर, 5K होल स्क्वायर. अभी देखो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इवन के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 36 25 minus 49 upon 2 into 30 into k square. तो के स्क्वायर देखो कैंसिल हो जाएगा.
So this is 1 by 5. So you are saying cos B, similarly you are getting cos B is 22 upon, no, cos B 19 upon kuch aana chahiye. Please calculate cos B, kyunki yahan pe 19 diya hai. 19 upon 35, 19 upon 35, then correct. Cos C, 10 upon 35. Cos C 5 upon 7. Okay, cos C 5 upon 7. अभी तीनों को इक्वेट करना है. इफ वांट टू इक्वेट दिस तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, देन ओनली वी कैन इक्वेट. तो इफ वांट टू मेक डिनोमिनेटर सेम तो देखो 35 7 5 तो सबको हम लोग 35 बना देते हैं. सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 तो दिस विल बी 7 अपॉन 35 और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो 25 अपॉन 35. So you will get, from this you will get cos A is 7 upon 35 implies cos A upon 7 is 1 upon 35. Okay. Similarly cos B bhi wahi hoga. Cos B 19 upon 35. So cos B upon 19 upon 35. Okay, similarly cos C 25 upon 35, so cos C upon 25, 1 upon 35. So each ratio is 1 upon 35, so that means cos A upon 7 equal to cos B upon 19 equal to cos C upon 25. Okay, now next question, 1 upon 5 ko 7 se kyun multiply kiya, hum log ko ye proof karna hai na. ये प्रूफ दैट करना है तो तीनों को एक सम नंबर के साथ इक्वेट करना चाहिए. वो नंबर क्या होगा, इसका नीचे 35 है तो सबका नीचे मैं 35 बना सकता हूँ. तो सबका नीचे 35 बनाएंगे, देखो ये 1 upon 35, ये भी 1 upon 35, ये भी 1 upon 35. तो टू मेक 1 upon 35 तो 5 ऑलरेडी था तो 7 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया तो नीचे 35 आ गया. एग्जैक्टली सेम रीजन 7 था तो मल्टीप्लाई बाय 5 किया टू मेक 35. तो सबका नीचे 35 होगा, सो वी कैन इक्वेट, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई. कॉस भी नहीं आया, कॉस भी का फॉर्मूला होगा बेटा, नॉर्मल कैलकुलेशन ही है. तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्वेश्चन में कोसाइन रूल अप्लाई होगा. तो टू फाइंड कोसाइन रूल, यस कॉस भी का फॉर्मूला ही होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. धीरे धीरे कैलकुलेट करोगे तो आएगा, सबको आया तो आपको भी आएगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास बुकलेट नहीं है, राइटिंग द क्वेश्चन. थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल साइड्स गिवन. ट्रायंगल साइड्स 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर. तीन साइड दिया है, फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल. आपको स्मॉलेस्ट एंगल ढूंढना है, स्मॉलेस्ट एंगल. अच्छा सेकंड डन, गुड. तो नेक्स्ट वन. अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल कब होता है पता है क्या, कोई भी ट्रायंगल में जो स्मॉलेस्ट साइड होगा उसका ऑपोजिट साइड ही, ऑपोजिट एंगल ही होना चाहिए ना. देखो
ये साइड लेंथ जाता है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स स्मॉलेस्ट साइड का ऑपोजिट साइड होगा। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स स्मॉलेस्ट एंगल इंप्लाइज ऑपोजिट ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। Opposite of smallest sides. अगर आपको ये पता नहीं होगा, then what you will do? You will find A angle, you will find B angle, you will find C angle, then you will check which one is the smallest angle. Okay? तो पहले देखो तीनों साइड लेंथ दिया है, आपको एंगल चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तीनों साइड लेंथ दिया है तो आपको कोसाइन रूल ही अप्लाई होगा। तीनों साइड पता है तो you can find out the angle. Correct? ओके, ठीक है। सो आपको तीनों साइड लेंथ दिया है, सो तीनों साइड लेंथ दिया है तो 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ा होगा, देन 4√3, देन इज √30। तो इसको नाम दे दो ए बी सी। तो स्मॉलेस्ट साइड फॉर दिस केस होगा स्मॉल सी, this will be A, this will be B. तो आपको क्या चाहिए? Smallest angle चाहिए, तो smallest angle is this, so आपको cos C निकालना है, तो calculate cos C. तो formula होगा A square plus B square minus C square upon 2AB. Now simplify. 49 48 minus 13 upon 8 into 7 into √3. तो ये 80 आएगा ना, 80 upon 80 आ रहा है क्या? No. 97 minus 13. Okay. So you are getting √3/2. √3/2 means cos 30 degree, so smallest angle होगा 30 degree. Okay. Now do third question. Third होगा तो then we'll do fourth one also. Okay, fourth one. थर्ड क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट, तो यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड दैट ए प्लस बी प्लस सी cos A plus cos B plus cos C. You can start from right hand side also, or you can start from left hand side also. Okay.
अच्छा यू कैन डू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 9 टर्म्स होगा ना, 3 × 3 9 टर्म्स होगा, तो 9 टर्म्स राइट डाउन, देन आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कोसाइन रूल, इसमें देखो कोसाइन रूल आप लगा सकते हो, बट कोसाइन रूल लगाए तो राइट हैंड साइड क्या दिया, राइट हैंड साइड देखो इन टर्म्स ऑफ एंगल दिया है। इफ यू पुट कोसाइन रूल एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ साइड्स ओनली, ए बी सी में रिजल्ट आएगा, बट आपको राइट हैंड साइड अगेन एंगल में दिया है तो कैलकुलेशन नहीं होगा। आर यू गेटिंग, इफ यू वांट यू कैन प्रूव पुट दैट, बट वो रिजल्ट मैच नहीं होगा, फिर राइट हैंड साइड को भी फिर सिंप्लीफाई होगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। ओके तो दैट से हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर विल चेक। ए कॉस ए, ए कॉस बी, ए कॉस सी, बी कॉस ए, बी कॉस बी, बी कॉस सी, सी कॉस ए, सी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। अभी देखो कुछ फॉर्मूला हो सकता है क्या, एक एंगल साइड लेंथ एंगल, साइड लेंथ एंगल कॉस में कोई फॉर्मूला है क्या, सोचो। अभी तक हम लोग तीन ही फॉर्मूला किया है ना, यस वेरी गुड, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये समझ में आ गया, तो डू दैट। देन फोर्थ क्वेश्चन, तो आपको प्रोजेक्शन रूल लिखना है, तो पहले ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी, सी कॉस सी, ये प्रोजेक्शन रूल में आएगा ही नहीं, तो इसको अलग ही लिख लेते हैं। अभी देखते हैं कौन सा प्रोजेक्शन रूल होगा, अगर ए कॉस ए, ए कॉस बी लिया, प्रोजेक्शन रूल ए कॉस बी लिया तो बी कॉस ए चाहिए, तो b cos a यहाँ पे है, तो प्लस b cos a, ओके। सिमिलरली a cos c लिया तो b c cos a चाहिए, c cos a, ओके। तो a cos c प्लस c cos a, ओके। और रिमेनिंग इज b cos c लिया तो क्या आएगा, c cos b, ओके। सो सिमिलरली b cos c प्लस c cos a, रिमेनिंग जस्ट a cos a, b cos b और c cos a ऑलरेडी पहले लिखा है, ये तीनों लिख लिया। अभी अप्लाई करो प्रोजेक्शन रूल, आपको फॉर्मूला हमेशा बाय हार्ट होना चाहिए, वंस इफ यू आर कंफर्टेबल विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो फिर कैलकुलेशन इजीली होगा। ओके नाउ पुट दैट, दिस वन होगा प्रोजेक्शन रूल अप्लाई किया तो सी, इफ यू अप्लाई प्रोजेक्शन रूल फॉर दिस दैट विल बी बी, और इसमें प्रोजेक्शन रूल अप्लाई किया तो दैट विल बी ए, सॉरी सी कॉस ए, नहीं कुछ तो मिस्टेक किया है, एक मिनट। बी कॉस सी लिया तो हम लोग को लेना है सी कॉस बी, सी कॉस बी तो लेना है, ओके okay, इसमें मैंने गलती किया, सी कॉस बी आएगा, ओके okay?
तो अभी देखो हाफ एंगल फॉर्मूला आपको दिया है, देखो कॉस स्क्वायर ए बाई टू मतलब ए बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूला दिया है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके तो नाउ ये दोनों से यू कैन टेक ए कॉमन, ए कॉमन लिया तो वन प्लस कॉस ए आ जाएगा। सिमिलरली दिस टू टेक बी कॉमन वन प्लस कॉस बी, सिमिलरली टेक सी कॉमन वन प्लस कॉस सी। ओके तो अप्लाई दैट वन प्लस कॉस टू थीटा फॉर्मूला, यस हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो। वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस कर ए बाई टू, टू कॉस कर बी बाई टू, टू कॉस कर सी बाई टू। ओके अभी टू कॉमन लिया तो आपको राइट हैंड साइड आ जाएगा। सो दैट इज योर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, ये सबको प्रैक्टिकल तो बहुत सारे है ना प्रैक्टिकल, इसका तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, आपको पता चलेगा, देखते हैं हम लोग, नहीं तो लास्ट लेक्चर एक्सप्लेन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, मेन एप्लीकेशन इज आईटी एडवांस जेई मेंस में ये क्वेश्चन आएगा। ओके तो आपको करना ही है। यस ललित आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का तीनों साइड थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तीनों साइड थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके हाँ क्वेश्चन इज दिस, फॉर एनी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इंटीजर है, ए बी सी तीनों इंटीजर्स है, वो तीनों इंटीजर कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट, ये टाइप का तीन साइड लेंथ दिया है। ओके एंड गिवन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, और क्या दिया है, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल is equal to 2 times smallest angle, ये दिया है। Okay? Question नहीं दिया है, तीनों sides of a triangle consecutive integers है
एंड लार्जेस्ट एंगल इज 2 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल. इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? लार्जेस्ट साइड इज BC तो A, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? C, तो A इक्वल टू 2C होगा. ओके, A इक्वल टू 2C होगा. ओके, तो इफ आई टेक दिस इज n, दिस इज n प्लस 1, दिस इज n प्लस 2, तो n का वैल्यू मान लो 5 हुआ, n का वैल्यू मान लो 5 हुआ, देन 5, 6, 7 होगा. n का वैल्यू मान लो 3 हुआ, देन 3, 4, 5 होगा. तो 3 कंसेक्यूटिव साइड्स दे दिया. ओके, सो वी आर टेकिंग 3 कंसेक्यूटिव साइड्स और a इक्वल टू 2c दिया है. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड साइड लेंथ क्या होगा. साइड लेंथ क्या होगा? अच्छा, तीनों साइड लेंथ दिया है तो एक हो सकता है कोसाइन रूल यूज करो, और एक मेथड आप साइन रूल भी यूज कर सकते, ठीक है. चलो हम लोग साइन रूल ही कर लेते हैं. हाँ, तो यूज साइन रूल. तो पहले देखो ए इन टर्म्स ऑफ सी मिला, तो ये भी रिजल्ट हम लोग यूज कर लेते, ये कंडीशन गिवन था. ओके, दिस कंडीशन इज गिवन. तो ऑल्सो यू नो ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, तो ए का वैल्यू 2c पाई. तो देखो बी का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 3c. तो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सी आ जाएगा, ए इन टर्म्स ऑफ सी, बी इन टर्म्स ऑफ सी एंड सी इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ सी. अगर हम लोग को साइड लेंथ निकालना है, एंगल निकालना है, तो क्या होगा, कोई भी एक एंगल में लेके जाना है, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट. तो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सी लेके गए, ए इन टर्म्स ऑफ सी, बी इन टर्म्स ऑफ सी एंड सी इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ सी. नाउ अप्लाई साइन रूल. अभी साइन रूल अप्लाई होगा. तो साइन रूल में क्या किया था, दिस साइड अपोजिट ऑफ दैट, तो n प्लस 2 अपॉन साइन ए ना, ए अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, याद है फॉर्मूला. सिमिलरली n प्लस 2 लिया तो n प्लस 1 बी अपॉन साइन ऑफ बी, n अपॉन साइन सी. दिस इज योर साइन रूल, साइड लेंथ अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ओके, नाउ वी राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सी ओनली, देन वी कैन एलिमिनेट. तो ए का वैल्यू डालो एन प्लस टू, साइन ए का वैल्यू 2c, साइन बी का वैल्यू साइन ऑफ पाई माइनस 3c, साइन सी. यस यस, आपको एंगल मिल गया. अभी आपको ऑल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ, देखो एन प्लस टू अपॉन साइन 2c, एन प्लस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा. ओके, अभी आपको देखो अगर ये दोनों इक्वेशन ले लिया, इसमें से देखो हम लोग साइन सी निकाल सकते हैं और कॉस सी कुछ तो निकाल सकते हैं, और ये दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं कि दोनों में से सी को एलिमिनेट करेंगे. फंड अंडरस्टूड. मान लो दिस टू इक्वेशन लिया और दिस टू इक्वेशन लिया, दोनों से सी एंगल को एलिमिनेट करना है. इफ आई एलिमिनेट सी एंगल, तो रिलेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ एन ओनली, रिलेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ एन ओनली, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. तो योर एम हैज टू बी, पहले क्या किया था देखो, ए बी सी तीनों एंगल को तीनों सेम एंगल में लेके आया, सेम एंगल में लेके आया सी सी सी. अभी सी को हटाना है, सो इफ यू आई एलिमिनेट सी, दिस इक्वेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ एन ओनली, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. करेक्ट, सो डू दैट. सो डू दैट. तो मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 3 if you take n plus 2 upon sin 2c, n upon sin c.
Now sine 2 theta formula apply karo. Sine 2 theta. So sine C cos C n upon sine C. तो sin c कैंसिल होगा, देखो cos c का वैल्यू मिल गया, cos c विल बी n plus 2 upon 2a. तो व्हाट विल डू फ्रॉम दिस 2 विल फाइंड cos c, देन विल इक्वेट फ्रॉम 2 एंड 3 लेंथ. तो n plus 1 upon sin 3c n upon sin c. अभी साइन थ्री थीटा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. साइन थ्री थीटा याद है फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा. ओके, इसमें थीटा इज सी, तो साइन सी कॉमन ले लो, थ्री माइनस साइन स्क्वायर सी एन अपॉन साइन सी. तो साइन सी कैंसिल हो गया. अभी देखो ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिखो और कॉस सी का वैल्यू डाल दो, देन रिलेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ एन ओनली. Okay, so we'll get n plus 1 upon n 3 minus sin squared c. Just complete this, huh? N plus 1 upon n sin squared को लिखो 1 minus cos squared c. अभी cos c का value डाल दो. Put the value of cos c. N plus 1 upon n 3, so this will be 2 minus minus, this will be plus. Our cos c value is n plus 2 upon 2n का whole square. ये cos c का वैल्यू डाल दिया. ओके, अभी देखो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक, यस क्वाड्रेटिक इन n. तो n का वैल्यू निकालो एंड टेल मी. ये sin 3 थीटा 3 sin c माइनस 4 sin क्यूब c, 4 होगा बेटा. सो दिस विल बी, ये आ जाएगा. sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So this will be minus 1 minus minus plus 4 whole square ka value dal do. Still this will be quadratic in n. N ka value kya aa raha hai bolo? N ka do value aayega. N ka do value aa raha hai na, 4 aur ek kya aa raha hai? एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी क्या आ रहा है?
एन फोर एन माइनस वन, एन का वैल्यू फोर एन माइनस वन, एन क्या होगा साइड लेंथ, एन इज साइड लेंथ, तो एन मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल एज एन इज पॉजिटिव इंटीजर, सो एन का वैल्यू क्या होगा फोर, तो साइड लेंथ निकालो तो क्या होगा फोर फाइव सिक्स, साइड लेंथ इज एन एन प्लस वन एन प्लस टू दैट विल बी फोर फाइव सिक्स। ओके डन ऑल ऑफ यू, ओके अच्छा आपको क्लियरली ये समझ में आ गया दैट तीनों साइड लेंथ दिया है तो आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना चाहिए, आपको साइड भी पता है एंगल भी पता है, यू कैन अप्लाई साइन रूल, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया ना। अच्छा इसमें स्मॉल ए एंड एंगल में दिया है, ए कॉस बी बी साइन सी, मतलब क्या होगा प्रोजेक्शन रूल अप्लाई होगा। ओके नाउ विल गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके फोर्थ वन, पेयर्स एनालॉजी, ओके इसका फर्स्ट फॉर्मूला इज टैन ऑफ ए माइनस बी बाय टू is a minus b upon a plus b into cot c by 2. Similarly, you can write second one, third one. This is in terms of ab, then bc. Either b and c hoga, to either kya ho jayega? Cot remaining angle a by 2. bc hai to kya hoga? b minus c upon b plus c. Okay? थर्ड वन टैन ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए बाई टू, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू, सो दिस थ्री फॉर्मूला नोन एज नेपियर्स एनालॉजी। ओके तो राइट डाउन देन विल प्रूव दिस, ओके If you want to prove any one of them, मान लो first one prove तो right hand side से start करो, ठीक है? तो right hand side is a minus b upon a plus b into cot c by 2. अच्छा now tell me, a proof itself एक question ही है, okay? अभी बोलो, right hand side लिया तो left hand side in terms of angle में लेके जाना है, we want in terms of angle. If we want in terms of angle, तो ये साइड को एंगल में लेके जाना है, ये जो साइड है that you have to take in angle, तो which formula, which rule you need to apply? Sine rule only. Are you getting? This is already in terms of angle, everything in terms of angle में लेके जाना है, तो we need to apply sine rule. Okay? तो apply sine rule. अभी से हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे A is towards sine A. And B is towards sine B.
okay, towards sin A plus towards sin B. We are applying sin rule. और इसको as it is रख देते, sin rule apply किया, okay? sin rule. टू आर देखो कैंसिल होगा, साइन ए माइनस साइन बी टू आर साइन ए प्लस साइन बी कॉट सी बाई टू. तो आपको क्लियरली दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. इसमें देखो हाफ एंगल फॉर्मूला दिया है, तो आपको अप्लाई होगा साइन सी माइनस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी ना, तो अप्लाई फॉर्मूला. फॉर्मूला याद है ना, साइन सी माइनस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी कॉस होता है ना, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू और साइन सी प्लस साइन डी टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू एंड कॉट यू कैन राइट कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दो, कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू. अभी सिंप्लीफाई करो देखो ये आता है क्या. हाँ ये फॉर्मूला हाँ याद कैसे करेंगे, आपको याद करना है तो देखो ए माइनस बी बाई टू ए बी में है तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी बाई टू मिसिंग एंगल इज सी दैट्स व्हाई कॉट सी बाई टू. आप धीरे धीरे याद होगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है. ओके फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट है, मीन्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा. अच्छा कैन यू से ये दोनों कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा. इफ वी यूज ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री. देखो हर स्टेप में आई एम नॉट गोइंग राइट, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू और ये दोनों क्वांटिटी से जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाएगा, दैट इज टेन ऑफ ए माइनस बी बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू. आई एम सेइंग हियर ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, तो यू विल गेट टेन ऑफ ए माइनस बी बाई टू. कैंसिल कैसे होगा, लास्ट टाइम आई एम सॉल्विंग दिस हाँ, cos of a plus b by 2 is same as cos of pi by 2 minus c by 2, correct? Because sum of angle of a triangle is 180. a plus b by 2 is pi by 2 minus c by 2. ठीक है ना सबको? a plus b plus c 180. That's why a plus b by 2 is pi by 2 minus c by 2. Okay? तो दिस विल भी देखो साइन सी बाई टू, तो ये कैंसिल हो गया. सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा. ओके सिमिलरली साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू दिस विल बी साइन ऑफ 90 माइनस सी बाई टू सो दिस विल बी कॉस सी बाई टू, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो tan ऑफ a माइनस बी बाई टू
Okay, now do one question. Question is given, in a triangle ABC, the angle is given 60 degree, B into C cut ratio is given, say, root 3 plus 1 into 2, then find, B minus C. Ye question hai. In a triangle, A angle is given 60 degree, B is to C ka ratio diya hai. Now you have to find B minus C angle kya hoga. Ye booklet ka question nahi hai. This is not from booklet, okay? A Napier constant is that E, jo irrational number E, that is Napier constant, okay? Not this one, ye Napier's analogy, okay? Yes, होता है. Okay. इसमें एज ये थियोरी के बाद किया तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. ये तो आपको समझ में आ ही गया, बट कभी भी ये क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आएगा क्या नेपियर्स एनालॉजी अप्लाई होगा. देखो b बाय c का रेशियो दिया है, तो क्या दिया आपके पास, b अपॉन c दिया. इसको अगर आपने कॉम्पोनेंट डिविडेंड किया, देखो b प्लस c अपॉन b माइनस c आ जाएगा. समझ में आ रहा है, इफ यू अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड देन b प्लस सी अपन b माइनस सी आ जाएगा आपको. ओके, तो दैट्स व्हाई b प्लस सी अपन b माइनस सी. सो कंपोनेंट और डिविडेंड करो, सबको आता है ना कंपोनेंट और डिविडेंड. ओके, सो दोनों ऐड करो, सो रूट थ्री प्लस थ्री अपन रूट थ्री माइनस वन. और आपको b माइनस सी दिया है, तो कौन सा नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला अप्लाई होगा, करेक्ट? तो अप्लाई, तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, b माइनस सी बाई टू नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला. तो b प्लस सी फॉर्मूला इज b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इनटू कॉट a बाई टू. अभी आपके पास a एंगल भी दिया है, करेक्ट? a एंगल भी दिया है, so cot 60 degree by 2, इसका वैल्यू डाल दो. तो इसका रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि उल्टा दिया है, तो b minus 1 upon root 3 plus 3. okay, now simplify, cot 30 root 3
इसमें से रूट थ्री को कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस रूट थ्री। रूट थ्री माइनस वन अपन रूट थ्री प्लस वन, ये किसी का वैल्यू होता है ना, टेन फिफ्टीन डिग्री ऐसे कुछ वैल्यू होता है ना, देखना है तो देख लो। टेन फिफ्टीन डिग्री इज टेन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी डिग्री, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ओके। टेन फोर्टी फाइव वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री, वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री, तो सिंप्लीफाई रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, तो दिस विल बी टेन फिफ्टीन डिग्री, तो आपको मिल जाएगा। तो b माइनस सी बाई टू इज 15 डिग्री, तो आंसर होगा 30 डिग्री। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको ये टाइप का रेशियो दिया होगा, दिस टू सी और ये टाइप का कुछ दिया होगा, b बाई टू सी बाई टू माइनस, मीन्स आपको क्या होगा, नेपियर्स एनालॉजी अप्लाई होगा, ओके। यस आंसर इज 30 डिग्री, ओके। चलो सो दिस इज फॉर्मूला नंबर फिफ्थ, अभी तक चार ही फॉर्मूला हुआ है, फॉर्मूला नंबर फिफ्थ डन सबको। फॉर्मूला फिफ्थ, फर्स्ट वन साइन हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब ए बाई टू, ओके। साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लाइक फॉर्मूला आएगा, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, साइन बी बाई टू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, साइन सी बाई टू सिमिलरली साइन सी बाई टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, ओके। मतलब ए बाई टू होगा, ए मिसिंग होगा, ए बाई टू होगा तो ए मिसिंग होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ओके। सिमिलरली बी बाई टू होगा तो बी मिसिंग होगा, तो एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, ओके। दिस इज साइन, सिमिलरली कॉस का भी होगा, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ओके। कॉस ए बाई टू ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला होगा, दैट टाइम एस इंटू मिसिंग जो था एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, सिमिलरली एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, तो लिख लो ये फॉर्मूला।
ओके तो ये टाइप का फॉर्मूला है, ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन ऑफ देम, साइन ए बाई टू याद रखो, कॉस ए बाई टू याद रखो, तो ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर द रिमेनिंग टू. यस एस इज द पेरिमीटर एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, मैंने बताया अभी नहीं बताऊंगा, स्टैंडर्ड नोटेशन. ओके इसके बाद आएगा tan a by 2 फॉर्मूला. tan b by 2, tan c by 2. तो आपको क्लियरली दिख रहा है tan a by 2 क्या होगा, मतलब डिवाइड होगा sin a by 2, सो दिस अपॉन दिस. तो डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो सिंपली डिवाइड होगा, तो s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a. ओके तो सिमिलरली राइट s माइनस a s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b. ओके s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c. तो पहले लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके यस यस यू नीड टू प्रूफ कोसाइन रूल ओनली. कॉसेस से स्टार्ट करो, आ जाएगा करेक्ट. आई विल डू वन प्रूफ. हाँ टेन का प्रूफ आई विल नॉट डू बिकॉज क्या होगा, जस्ट डिवाइड ही करना है आपको. करेक्ट तो फर्स्ट राइट डाउन डन. सबने लिखा है, ओके अच्छा एनी वन ऑफ आई प्रूफ एनी वन ऑफ देम. तो व्हाट विल डू, कॉसे से स्टार्ट करते हैं. कॉसे, कॉसे का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन भी होता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस भी होता है. अगर हम लोग साइन ए बाई टू चाहिए तो कॉसे को इन टर्म्स ऑफ साइन ए बाई टू फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए बाई टू चाहिए तो कॉस में लिखेंगे. अगर साइन चाहिए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, यही होता है फॉर्मूला. ओके नाउ ट्राई टू प्रूव दिस. ये प्रूफ ही एग्जाम में आता है. ओके तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इज वन माइनस कॉस ए. नाउ कॉस ए अप्लाई कोसाइन रूल एंड सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ ए बी आ जाएगा. देखो आता है क्या, अप्लाई कोसाइन रूल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी. नाउ सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लो, अभी देखो इसमें से एक माइनस कॉमन लिया तो फॉर्मूला हो सकता है b प्लस सी और b माइनस सी फॉर्मूला ना, तो विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस. रिमेनिंग से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी
Important part is this step only. This step is important. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम ये टाइप का आपको लिखना है। माइनस कॉमन लेके बी माइनस सी होल स्क्वायर देन इसका माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी तो लेफ्ट हैंड साइड टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, वी आर गेटिंग ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी अपॉन टू बी सी। अभी सेमी पेरीमीटर का रिजल्ट यूज करना है आपको, यूज द रिजल्ट दैट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू is S. A plus B का वैल्यू डालो 2S minus C, A plus C डालो 2S minus B. Put that, you will get the result. Okay? Good. Okay, done, no? इसका बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा, ओके okay. और एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं फिर विल डू, क्लियर ना सबको आ गया? तो दिस विल बी 2s माइनस सी, 2s माइनस बी, 2 टाइम्स बी सी। टू इंटू एस माइनस सी, टू इंटू एस माइनस बी अपॉन टू बी सी, और यहाँ पे टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, एक टू कैंसिल होगा, ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट टेक स्क्वायर रूट साइन ए बाई टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी अपॉन बी सी। अच्छा, साइन ए बाई टू हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि टोटल एंगल इज 180,
a plus b plus c is 180, तो a by 2 must be less than 90, तो less than 90 होगा तो always positive होगा, okay? नहीं नहीं cos का भी same method है, once you will get sin को 1 minus cos का लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे plus लिख के भी कर सकते हो ना, cos 2 theta is to cos का theta, जो formula है, क्या है formula? Okay? So formula से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो ये logic आपको sometimes ये use होगा calculation, that's why मैंने proof किया, सबको प्रूफ क्लियर है, ओके? चलो एक क्वेश्चन करते फिर, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर ही होगा, नहीं पहले एरिया का फॉर्मूला कर लेते फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके? चलो, सो फॉर्मूला नंबर फिफ्थ डन, अब फॉर्मूला सिक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जस्ट ये फॉर्मूला कर लेते हैं, देन विल डू many questions, okay? Just complete this. Yes, yes. Done. Okay. अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो ओरिजिनल ट्रायंगल दिया होगा उसका एरिया हमेशा विल डिनोट बाय डेल्टा ओनली, विल डिनोट एज डेल्टा, तो डेल्टा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम लोगों ने एबीसी ट्रायंगल ले लिया, ओके? ये ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा दैट एरिया विल डिनोट एज डेल्टा, डेल्टा डिनोट्स द एरिया, क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्मूला हाफ इनटू ए बी साइन सी, तो ये टाइप का तीन फॉर्मूला होगा, हाफ इनटू ए बी देन हाफ इनटू बी सी इनटू साइन ए, हाफ इनटू सी ए इनटू साइन बी, ओके? देन वी कैन राइट दैट, आपका ये भी लिख लेते फोर आर, देन फॉर्मूला आपका हेरॉन्स फॉर्मूला, एस इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके? देन बेसिकली इतना फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ओके? यू नीड टू रिमेम्बर, इतना फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, ओके? इसमें से ये दो प्रूफ अभी नहीं होगा, विल डू नेक्स्ट लेक्चर, विल डू ये दो प्रूफ अभी नहीं करेंगे हम लोग, रिमेनिंग प्रूफ आई विल डू, करना तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? देखते हैं, बहुत टाइम है, वी कैन डू, ओके? सो डेल्टा का फॉर्मूला तो वन बाय वन प्रूफ देख लेते हैं हम लोग. अच्छा अभी क्वेश्चन कम्स दैट कैपिटल आर क्या है सर, स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर सर्कम रेडियस जो किया था वही है, और स्मॉल आर होता है इन रेडियस, मतलब सर्कल का अंदर जो होता है ना,
बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है ना, सो स्मॉल आर इज इन रेडियस, स्मॉल आर इज इन रेडियस। इन रेडियस का कुछ फॉर्मूला था ना, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, याद है ना, हाउ टू फाइंड इन सेंटर, तो उसका जो रेडियस दैट इज इन रेडियस। ओके, विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में विल डू अगेन, वो सब फॉर्मूला करेंगे हम लोग। ओके चलो, सो ए बी सी दिया है, सो दिस इज स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल ए। अच्छा, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी, तो एडी क्या होगा, हाइट होगा, तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज ए, व्हाट इज हाइट, हाइट इज एडी। ओके, तो व्हाट इज ट्रायंगल एबीडी, हाइट क्या होगा, एडी अपॉन सी, एडी अपॉन सी होगा साइन ऑफ बी, तो एडी क्या हो जाएगा, सी साइन बी, तो पुट द वैल्यू ऑफ एडी, एडी इज सी साइन बी, तो यू गॉट द फर्स्ट फॉर्मूला हाफ इंटू ए, सो फॉर्मूला इज हाफ इंटू एस सी साइन बी। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, देखो अगर बी एंगल का रेस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला बता रहा है हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इफ आई डू इट हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो क्या होगा साइन बी, हाफ इंटू बी इंटू सी एंगल बिटवीन देम मीन्स हाफ इंटू एनी टू साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये दोनों का बीच में जो एंगल होगा वही लेना है, हाफ इंटू ए बी ले लिया साइड, से ए बी का बीच में देखो एंगल क्या है सी, दैट्स व्हाई क्या होगा साइन सी, हाफ इंटू ए सी एंगल बिटवीन देम बी, तो हाफ इंटू ए सी, सॉरी इसमें कैपिटल ए नहीं होगा, प्लीज मेक करेक्शन, प्लीज मेक करेक्शन, यहाँ पे स्मॉल ए होगा, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके ये होगा, करेक्शन कर लो, हाँ ऑब्वियसली ओनली कैपिटल ए आएगा नहीं, उसके पहले एंगल हो साइन कॉस कुछ होना चाहिए ना, फिर आएगा ना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला में डाउट नहीं है, हाफ ऑफ एनी टू साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, मान लो वी वांट टू प्रूव दैट हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, अभी ये तीनों प्रूफ हो गया, अभी हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला। अच्छा, हेरॉन्स फॉर्मूला में व्हाट विल डू, दिस साइन बी बाई टू एंगल को हाफ एंगल फॉर्मूला में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, साइन बी को हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखो, तो टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, फिर साइन बी बाई टू का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस बी बाई टू का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रूफ आ रहा है क्या, अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन, आई एम सेइंग इसको अप्लाई करो, टू साइन हाफ एंगल फॉर्मूला बी बाई टू कॉस बी बाई टू, सो टू टू कैंसिल होगा, अभी हेरॉन्स फॉर्मूला, अभी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन बी बाई टू का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस बी बाई टू का फॉर्मूला, देखो आ जाएगा आंसर।
Done? Yes, I'll do. MN theorem, I'll do. So, sine u by 2 formula, S minus A into S minus C by AC. Or cos over S into S minus B by AC. देखो रूट एसी अल्टीमेट एसी होगा बाहर आके और ये एसी कैंसिल होगा देखो हेलेंस फॉर्मूला आ गया करेक्ट तो ये सिंपलीफाई किया तो विल गेट दिस एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओके तो राइट नाउ ये दो प्रूफ हम लोग बाद में करते हैं यहां से आ जाएगा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा ओके Okay, so do page number 183, page number 183, first question do. In page number 184, objective 1. Yes, yes, Darshan Narayan. So first question is given in triangle ABC. A plus B plus C. B plus C minus A. K times BC. If value of K. अभी K का value क्या होगा? Option में दिया है. Okay. In triangle ABC, this ratio is given, then K का value कहां से कहां तक होगा? What will be the range of K? So you can multiply this. So multiply karo. B plus C just multiply karo. So A plus B into A minus B. So B plus C whole square minus A square equal to KBC.
तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। तो देखो ऑलमोस्ट कुछ फॉर्मूला आ गया। तो k माइनस 2 इंटू bc, ये देखे कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला? कोसाइन रूल, कॉस ऑफ ए। तो bc को इस साइड लेके आ सकते हो, तो बिकम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी इज इक्वल टू के माइनस टू। तो कोसाइन रूल और एक टू होना चाहिए, ओके। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी के माइनस टू अपॉन टू। What I did, multiply by 2 किया, okay? तो ये directly formula हो जाएगा। So this will be cosine rule cos of a k minus 2। तो अभी k का range चाहिए, कुछ है question में, तो क्या होगा? cos a का value कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 4। cos a is lies between minus 1 to 1, correct? Huh? Yes, yes, bolo bolo, ab kya? Yes, cos a lies between minus 1 to 1, toh hi result hum log ko use karna hai, kyunki k ka value chahiye. Hain, ab bolo kya bolna hai? Stay. So cos a lies between minus 1 to 1. So minus 2 less than equal to k minus 2 less than equal to 2. So 0 less than equal to k less than equal to 4. Okay. So answer yahi aana chahiye. Okay. Good, good. Jagjit, good. Correct. बेसिकली यही होना चाहिए। अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इक्वल टू साइन नहीं दिया है, ये भी हो सकता था इक्वल टू साइन देके एक ऑप्शन भी दिया है। तो हम लोग को देखना है दैट इन टू पॉइंट्स, मतलब के का वैल्यू एग्जैक्टली, मतलब कॉस ए का वैल्यू एग्जैक्टली वन हो सकता है क्या, एग्जैक्टली माइनस वन हो सकता है क्या? नहीं होगा तो ये स्ट्रिक्टली साइन नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? कॉस ए का रेंज माइनस वन से वन वही लिखा है हम लोगों ने, कैलकुलेट किया है। बट मेरा क्वेश्चन है cos a का वैल्यू 1 माइनस 1 दोनों होता है, फॉर एनी ट्रायंगल cos a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता है क्या, वो आपको पता करना है, ठीक है? अगर इफ cos a इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? cos a इज इक्वल टू 1 मींस एंगल क्या होगा? 0। cos a इज इक्वल टू 1 मींस cos 0 इज 1, तो एंगल तो 0 नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इफ कॉस ए इज इक्वल टू माइनस वन, एंगल ए क्या होगा? 180 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल इज 180, वन एंगल इटसेल्फ 180 होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, करेक्ट? तो दैट मीन्स इट विल नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होने के लिए क्या होगा? कॉस ए का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए, माइनस 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों में स्ट्रिक्टली साइन नहीं होगा। दैट्स व्हाई के का वैल्यू क्या होगा? सो के का वैल्यू तो इम्प्लाइज k is not equal to 0 or 4, ये दो वैल्यू k का नहीं हो सकते, क्लियर हुआ सबको? दिस टू वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, तो यू विल गेट आंसर विल बी दिस वन, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next question is given delta. This area of triangle b minus c whole square, then tan a by 2 का वैल्यू क्या होगा? Then tan a by 2. इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी. नाउ सिंप्लीफाई. Done. A square minus of b minus c whole square. Sorry. अभी tan a by 2 means आपको s में लेके जाना है. Yes. A plus c minus b. अभी याद है ना? ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी को ए प्लस बी कैन बी रिटन एज 2s माइनस सी. देखो डायरेक्टली लिखा है 2s माइनस सी. अभी से हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे s बाय 2 इज ए प्लस बी प्लस सी. Sorry, S is A plus B plus C by 2. So 2S will be A plus B plus C. So 2S minus C over A plus B. So 2S minus B.
this will be 2 into s minus c, 2 into s minus b, 4 into s minus c into s minus b. लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हेरन्स फॉर्मूला. ओके, अप्लाई हेरन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अभी नाउ सिंप्लीफाई. तो देखो कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट देखो डायरेक्टली इफ यू राइट, कैन यू राइट दिस अंडर रूट ऑफ एस इन टू एस माइनस ए, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐसा आ जाएगा. समझ में है ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, वो यूज किया. ओके, सो वन बाई फोर इज एवरीथिंग राइट साइड पे लिखा जाओ, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ओके, इसको नीचे लेके आ जाओ, एस इंटू एस माइनस सी. तो ये टेन ए बाई टू का फॉर्मूला है, टेन ए बाई टू. कोसाइन का फॉर्मूला मतलब किसमें अप्लाई किया अपने, कोसाइन फॉर्मूला. पीयूष किसमें अप्लाई किया आपने, ठीक है. तो वन बाय फोर इज टेन ए बाय टू फॉर्मूला. चलो ये क्वेश्चन करते, पेज नंबर 168, पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ओके ओके चलेगा. ओके ओके डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया तो कोसाइन रूल आ गए. ओके,
Next question, page number 168, fourth. Okay, try next question. Write the question. Okay. Question is given, a right angle triangle है. Okay. एक right angle triangle दिया है. Okay. Right angle triangle. मान लो A C B. Right angle triangle ना. इस right angle triangle दिया है. Question is given that ओके सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओके राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट लेंथ इफ दिस लेंथ इज पी ओके देन मतलब सी एम तो सी एम विल बी फोर टाइम्स सी एम विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस ये क्वेश्चन में गिवन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 90 degree vertex to the hypotenuse that length is nothing but उसका 4 times is nothing but equal to क्या होगा hypotenuse का length होगा तो 4 times cm will be equal to तो 4 times p will be equal to इसको c लिया ना तो that will be c ये result दिया then the difference of two acute angles आपको two acute angle क्या होगा तो आपको a minus b और b minus a निकालना है ये दिया क्वेश्चन इसमें ज्योमेट्रिक मीन देखो ट्राई करो एक तो नॉर्मल पाइथागोरस से कर सकते हो देखो आपको जो दिस साइड विल बी ए दिस साइड विल बी बी एक तो दोनों का एरिया आप इक्वल कर सकते हो ना एरिया डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एबीसी ट्रायंगल एरिया होगा हाफ इनटू एबी और ये साइड का एरिया क्या होगा हाफ इनटू एबी इनटू हाइट यही होगा हाफ ऑफ कैंसिल होगा एबी लेंथ इज सी और सीएम इज नथिंग बट पी और सी का वैल्यू 4p तो ये रिजल्ट आपको मिल गया 4p स्क्वायर विदाउट थिंकिंग एनीथिंग जस्ट 90 डिग्री एबीसी तो ये स्मॉल है स्मॉल बी तो ये दोनों का एरिया इक्वेट किया ओके और एक वी कैन अप्लाई पाइथागोरस करेक्ट तो पाइथागोरस अप्लाई किया तो क्या होगा देखो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर तो सी का वैल्यू डाल दो सी का वैल्यू इज 4p ओके
अभी बट यू हैव टू फाइंड बेसिकली यू हैव टू फाइंड डिफरेंस ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का वैल्यू चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ एक्यूट एंगल आपको चाहिए, करेक्ट? तो डिफरेंस ऑफ एक्यूट एंगल चाहिए, सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब ए माइनस बी, तो वी कैन अप्लाई नेपियर्स एनालॉजी ना, टेन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, तो उसके लिए क्या चाहिए बेसिकली हम लोग को, बाय फॉर्मूला ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू. नाउ व्हाट इज एंगल सी, एंगल सी इज 90, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, वी नो द वैल्यू. ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, कैन यू फाइंड दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है एंड ए भी पता है, तो फाइंड आउट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ओके, ओके, गुड, डन. यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो, सेम पेज. ओके, so we need to find a plus b into a minus b. So a minus b whole square as a plus b whole square minus 4ab. A minus b whole square as a plus b whole square minus 4ab. So put that value. But you don't know a plus b, na? So से स्टार्ट करो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 16 बी स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, नाउ 2ab टेक राइट हैंड साइड, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर 16 बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ab, 16 p square, ab ka value is 4 p square. So this is 24 p square, that is a plus b whole square. So calculate a plus b, kya hoga? 2 p root 6. Okay? So b into 2 root 6. Okay. और 2 root 6 p लिख देते हैं. अभी हम लोग को क्या चाहिए, ओनली a माइनस b का वैल्यू. अगेन स्टार्ट करो, a माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 16 p स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab. का वैल्यू डाल दो, ab का वैल्यू 4 पी स्क्वायर. ए माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी 8 पी स्क्वायर, मतलब 2 रूट 2 पी. तो अभी वैल्यू डाल दो. ओके, तो a माइनस बी 2 रूट 2 पी अपॉन 2 रूट 6 पी इंटू कॉट 90/2, 2 कैंसिल, pp कैंसिल, 1/√3 आ रहा है, दैट इज tan a माइनस बी बाई 2. तो a माइनस बी बाई 2 tan 30, सो ये होगा 30 डिग्री, तो डिफरेंस होगा 60 डिग्री.
ओके तो अभी होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सम अभी होमवर्क होगा। तो राइट डाउन होमवर्क क्वेश्चन। ओके इफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन एपी, okay, then prove that tan A tan B tan C in HP, then prove that tan A tan B tan C in HP. Next question, summation of A square into sin B minus sin C A square into sin B minus sin C upon B. इसका मीनिंग पता है क्या सबको? समेशन ऑफ A square into sin of B minus C upon sin B plus sin C. समेशन मीन्स ये इन टर्म्स ऑफ ए में है तो इन टर्म्स ऑफ बी भी आएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, और एक टर्म क्या होगा? सी स्क्वायर होगा। तो सिमिलरली और दो टर्म आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है क्योंकि आपको सीक्वेंस सीरीज हो चुका है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 75 डिग्री बी इज 45 डिग्री, ओके देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट बी प्लस सी रूट टू इज 2a, ओके। फिर पेज नंबर 167 का 1, 2, 3, 4 हो चुका है। ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 देन पेज नंबर 168 ऑब्जेक्टिव 6, 7, 8, 9 पेज नंबर 169 सब्जेक्टिव 1, 2 ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 ये तीनों पॉसिबल होगा। ओके 8, 7, 8 भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव 170 पेज नंबर 170 ऑब्जेक्टिव 7 and 8। ओके और एक होमवर्क मिलेगा आपको, दैट इज होमवर्क इन द सेंस ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा, पेज नंबर 93 जिसके पास बुकलेट है एक बार देखो, पेज नंबर 93। टुमारो वी हैव लेक्चर्स, नो नो, पेज नंबर 93 ओके
ये टॉपिक में देखो क्लास वर्क में लिखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री देन प्रूव दैट लाइक साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी फोर साइन ए साइन बी साइन सी सिमिलरली कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी देन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी ये टाइप का रिजल्ट है ना देखो तो ये सब रिजल्ट बाय हार्ट होना चाहिए ओके सब आप लोगों ने डिराइव किया था पहले जिसने डिराइव किया पहले इज ओके अगर डिराइव नहीं किया तो घर पे बैठ के करो डिराइव ओके कौन सा फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना चाहिए मैं लिख रहा हूँ हाँ पेज नंबर 93 का आपको बाय हार्ट होना चाहिए फर्स्ट वन थर्ड वन ओके फिफ्थ सेवेंथ देन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इतना आपको बाय हार्ट करना है क्वेश्चन भी है शायद चलेगा इतना तो आपको बाय हार्ट करना है ओके ये एक के जो सब पार्ट है ये बाय हार्ट होना चाहिए फॉर्मूला है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको यूज होगा ओके जिसने किया है ठीक है नहीं किया तो ट्राई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चलो बाय बाय